हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराज कुकिंग चैनल में आज हम कोकोनट लड्डू की रेसिपी बनाएंगे। आसान सी रेसिपी है, इसको हम बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे नोट कर लें। इसके लिए हमें डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए होगा 250 ग्राम, या फिर आप 3 कप ले सकते हैं कोकोनट का बुरादा। हैवी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम या फिर आप फ्रेश मिल्क ले सकते हैं 1 कप। कंडेंस मिल्क चाहिए होगा 300 मिलीलीटर का एक कैन है या फिर 1 कप। 1 टेबलस्पून घी या फिर ऑयल ले सकते हैं, ये आप 1/2 टीस्पून ले लें, यानी साफरान जो है वो 1/2 टीस्पून। इसकी कोटिंग के लिए हमें बुरादा चाहिए होगा कोकोनट का 1/4 कप। आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो इसकी जगह आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्राई मिल्क पाउडर 1/4 कप डाल सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। साफरान के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल लें, दूध डाल लें या फिर पानी डाल लें और इसको भगो के रख दें ताकि इसका जो कलर है वो निकल आए। इसको पड़ा रहने दें थोड़ी देर के लिए। हीट ऑन करें, बर्तन के अंदर घी डाल दें। अब नारियल के बुरादे को 3 से 4 मिनट के लिए इसके अंदर रोस्ट करेंगे, हल्का सा भूनेंगे। हीट को मीडियम पे रखें, मसलसल चम्मच भी चलाएं वरना इसके जलने का खतरा होता है। घी हमने इसीलिए कम डाला है क्योंकि नारियल के अंदर पहले ही ऑयल होता है, ये ऑयली होता है इसलिए कम डाला है। नारियल भुन चुका है, अब इसके अंदर ये हैवी क्रीम डाल दें, अच्छी तरह मिक्स करें। घुला हुआ साफरान डाल दें, अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क को शामिल कर दें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब हम मीडियम आंच पर इसको मजीद ठीक कर लेंगे, तकरीबन 4-5 मिनट इसको लगेगा। आपके पास साफरान ना हो तो फिर इसकी जगह येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसका कलर कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा डाला है इसके अंदर। टाइम ज़्यादा कम लग सकता है, जब तक ये बहुत मुलायम ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए, उस वक़्त तक आप इसको पकाएं। देखें ये स्टिकी सा हो चुका है, मुलायम सा हो चुका है, बस थोड़ी देर मजीद हम इसको करेंगे। हीट को ऑफ कर दें, और इसे हीट से उतार दें। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको शेप दे लेंगे। हाथों के दरमियान में रख के रोल कर सकते हैं या फिर आप इस तरह मुट्ठी के दरमियान में रख कर इसको शेप दे सकते हैं। साइज बड़ा या छोटा आप अपनी पसंद का रख सकते हैं। लड्डुओं को शेप देने के बाद इनकी डेसिकेटेड कोकोनट के साथ कोटिंग कर दें। सारे लड्डुओं को हम इसी तरह कोटिंग करेंगे। कोकोनट लड्डू तैयार हो चुके हैं जिस तरह मैंने बनाए हैं, अगर आप उसी तरह बनाएंगे तो आपके भी इस तरह बेहतरीन बनेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको तोड़ लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर बनाएं।
इस तरह की रेसिपीज के लिए फराज कुकिंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।